हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे, क्या एड़ी क्यों फटती है? जाड़े के दिन में एड़ी क्यों फटती है? ड्राइनेस क्यों होती है? वहाँ की स्किन ड्राई हो जाती है, सूखा पड़ जाती है, वहाँ का स्किन जो है वो कड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, आखिर ये दिक्कत क्यों होती है? चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका होने का कारण क्या सब हो सकता है, या फिर इसका क्या लक्षण देखने को मिलेगा, इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथिक में दवा है जो इस तरह का रफनेस, ड्राइनेस, क्रैक हील को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। पहले चलिए जानेंगे हम कि इसका होने का कारण क्या सब हो सकता है। तो इसका होने का कुछ मुख्य कारण ये सब है, आपके शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो गया है। ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में आप पानी कम ले रहे हैं, उस वजह से आपकी स्किन ड्राइनेस होती है, तो एड़ी ज़्यादा फटने का, क्रैक हील ज़्यादा होने का चांस आपको जाड़े के दिन में मिलता है। आपके शरीर में विटामिन सी और विटामिन ई की कमी हो गई है, जैसे फाइबरस चीज़, साइट्रस चीज़ कम ले रहे हैं, उस वजह से भी आपके शरीर में जो स्किन में नमी होनी चाहिए, जो मॉइस्चर होना चाहिए, जो वो नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है, सूखापन हो जाता है, वहाँ का चमड़ी मोटा हो जाता है, क्रैक हो जाता है। और पेशेंट को क्या सब कारण हो सकता है? ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, या फिर आपका पुअर हाइजीन, मतलब एड़ी फटने का सबसे बड़ा कारण है पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन का मतलब हुआ कि आपकी साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो रही है। जो मवेशी पालते हैं आदमी, जो किसान आदमी है, वो रात में पैर को ठीक से नहीं धोएंगे, उस वजह से क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से वो दिक्कत बढ़ती है दिनों दिन। आप प्रॉपर रूप से सॉक्स नहीं पहन रहे हैं, प्रॉपर रूप से शूज़ नहीं पहन रहे हैं, प्रॉपर रूप से अपने पैर को सही से साफ़ सुथरा नहीं रख रहे हैं, पानी कम ले रहे हैं, मोटे आदमी को ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये कुछ कारण हो सकती है आपको ये दिक्कत जब आएगा तो पेशेंट अब क्या लक्षण दिखाएगा? पेशेंट आएगा तो आपको बताएगा क्या कि डॉक्टर साहब, मेरे एड़ी में ब्लड आता है, मेरी एड़ी जो है फटते जा रही है, और ठंडी के दिन में इतनी फट जाती है कि हम चल फिर नहीं पाते हैं, ब्लड आ जाता है, और बहुत वहाँ का चमड़ी जो है ना, स्किन वहाँ का बहुत कड़ा हो जाता है, स्किन कड़ा होने की वजह से वहाँ रेडनेस होती है, ब्लीड होती है, और बर्निंग मतलब लहर टाइप का होता है, और चींटी के चलने जैसे दर्द होती है, और बहुत ज़्यादा पेन होती है, लगेगा कि ऐसे इतनी टहक वाली दर्द होती है, लगेगा सुई के जैसे चुभता हुआ दर्द होगी एड़ी के साइड में। और पेशेंट आगे बताएगा क्या, ये दिक्कत हमको ज़्यादातर जाड़े के दिन में ही देखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब, तो हम क्या करें, तो इसके लिए हम क्या दवाई लें, कैसे बचें, ये लक्षण दिखाएगा, तो आप समझ सकते हैं ये क्रैक हील है, इसमें ये सब कारण की वजह से ये दिक्कत आती है। तो पहले हम जानेंगे इसको, पहले बोलेंगे आप मैनेजमेंट करके देखिए, मैनेजमेंट में क्या लेना है आपको, जैसे आप अच्छे से रात में सोने वक्त अच्छे से पैर को धुल के सोएंगे, उसमें कोई मॉइस्चर वाली क्रीम लगा के सोएंगे, कोई ऐसी नारियल की तेल इस्तेमाल करेंगे, है ना, जैसे आपको साफ़ सफाई कीचड़ वाले काम करें, थोड़ा थोड़ा से हाइजीन करेंगे, ठंडी के दिन में सॉक्स पहनेंगे, शूज़ पहन के रखेंगे, तो इस वजह से क्या होगी, आपको मेंटेन होगा, ये दिक्कत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब जिनको दिक्कत है उनके लिए बहुत ही कारगर दवाई आपके होम्योपैथ में हम लेकर आए हैं, ये लेते ही आप किसी भी तरह की क्रैक हील हो गई, मतलब एड़ी फट रही है, एड़ी से ब्लड आ रही है, एड़ी में सूजन हो गई है, एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और जाड़े के दिन में खास करके ये देखने का भी मिल रहा है, तो ये दवाई लेते ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए इसी तरह के नए नए जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के नया नया जानकारी आपको हमेशा मिलते रहे। तो अब हम बात करेंगे क्या होम्योपैथ में ऐसी कौन सी दवा है, क्या दवाई लें डॉक्टर साहब, हम तो परेशान हो गए, हर ठंडी जब आती है मौसम मुझे ये दिक्कत शुरू हो जाती है, एड़ी फटना शुरू होना, एड़ी में दर्द होना, एड़ी से ब्लड आ जाना, तो क्या ऐसी दवा लें? इसके लिए घबराना नहीं है, आपके होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी दवा है जो आप लेते ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस कंपोजिशन का नाम है हील क्रैक कंपोजिशन। तो इसमें हम क्या सब मिलाना है आपको होम्योपैथ में दवाई, पल्सा टीला का क्यू देना है, और कैलेंडुला का क्यू देना है, सल्फर क्यू देना है, और हेमामेलिस क्यू देना है। फिर से समझ लीजिए, पल्सा टीला क्यू, सल्फर क्यू, हेमामेलिस क्यू और कैलेंडुला क्यू, ये चारों मदर टिंचर जो है एक बॉटल में मिक्स करके इसको आप ग्लिसरीन में मिला के रख लें,
दो टाइम तीन टाइम अच्छे से पैर धुल करके पोंछ करके सूखा करके उसको इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल क्रैकिल से ठीक हो सकते हैं। या तो ग्लिसरीन में मिला सकते हैं या शुद्ध नारियल तेल में मिलाएंगे। इसी तरह के नए नए जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।